हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह। कुमकुम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनी गार्लिक चिकन बनाने के लिए मैंने ये देखिए 150 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है। मैं इसको देखिए इस तरह से मार्केट से कटवा के मंगवाई हूँ। अब इसमें इसको मैरिनेट कर लेते हैं। पहले देखिए नमक है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये पेपर पाउडर है। सबसे पहले नमक डाल दे रहे हैं, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। पेपर पाउडर, एक जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसको भी डाल देंगे। व्हाइट विनेगर है उसको डाल दे रहे हैं। देखिए हाफ अभी मैरिनेशन में डालेंगे, हाफ ग्रेवी में। सोया सॉस है हाफ इसमें डालेंगे, हाफ इसके ग्रेवी में डालेंगे। ये रेड चिली सॉस है, एक चम्मच डालेंगे नीचे अंदर में। कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर हम इसमें ज्यादा डालेंगे, 3 चम्मच डालेंगे। अब सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको एकदम ड्राई करना है, इसमें कॉर्नफ्लोर हम और ऐड कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दे रहे हैं। 15 मिनट हो गया है, अब इसको फ्राई कर ले रहे हैं। देखिए रिफाइंड मेरा गर्म हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम ही रखना है। अब इसमें डाल देंगे। हटा हटा के डालेंगे, एक साथ चिपक जाएगा नहीं तो। देखिए इसको हटा हटा के डालना है, नहीं तो एक भी चिपक जाएगा ही। और फ्लेम को मीडियम रखना है एकदम, क्योंकि सबको हटा हटा के डालना है, क्योंकि सबको पलट लेना है। छोटा चम्मच रखने से आपको आसानी से पलटेगा ये। और एकदम हटा हटा के रखना है किनारे, तो अलग अलग करके, नहीं तो ये चिपक जाता है। फ्लेम एकदम इसका मीडियम रखेंगे ताकि अंदर तक कुक हो जाए। देखिए मेरा अच्छे से पक गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। इसको निकाल ले रही हूँ। फ्लेम को एकदम मीडियम करके रखना है, एकदम कम कर, ताकि अंदर से कुक कर। देखिए मेरा अच्छे से कुक हो गया। अब इसमें से ये रिफाइन निकालेंगे, बस 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच से रखे हुए रिफाइन। अब देखिए मेरा ये लहसुन है, इसमें लहसुन का मात्रा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं 7-8 लहसुन की कलियाँ को अच्छे से काट के तैयार कर लूँगी। और ये अदरक है, देखिए इसको इस तरह से लंबे लंबे साइज में काट के तैयार करें। 1 इंच अदरक है। देखिए मेरा लहसुन गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें मैं सॉस ऐड कर दे रही हूँ, रेड चिली सॉस है, इस चम्मच से 3 चम्मच है। ये सोया सॉस है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच। व्हाइट विनेगर है, वो भी 1 चम्मच। सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दे रही हूँ। ये सॉस में बस 2 चम्मच पानी डाल करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं। फिर चिकन में अच्छे से सॉस मिक्स हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। देखिए 1 चम्मच हनी है इसमें, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स हनी। देखिए हनी डालने से इसमें चटपटा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें ये विनेगर काफी खट्टा होता है। तीखा ये सॉस डाले हैं, रेड चिली सॉस और ये हनी, इससे खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। देखिए 1 चम्मच सेसमी सीड है, इसको मैं सूखा रोस्ट कर ली हूँ। हाफ अभी अंदर डालेंगे। स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे, अब मिक्स कर लेंगे सबको। ये पेपर पाउडर है, हल्का एक चुटकी डाल रही हूँ। और नमक भी, नमक तो मैं अंदर डाली हूँ, इसलिए हल्का सा नमक इसमें डालना है, ज्यादा नमक नमक नहीं। एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा हनी गार्लिक चिकन बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा तिल जो मैं बचा के रखी थी उसको इसमें इस तरह से देखिए डाल देंगे। स्प्रिंग ओनियन है उसको भी डाल देंगे। देखिए मेरा हनी गार्लिक चिकन बनके तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी लगता है।
इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। तो एक बार मेरी विधि से बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।